इस वीडियो में हम बात करेंगे फोर कलर बैंड रजिस्टर और इनके कलर कोड्स के बारे में। जैसे यहाँ पर जो फिगर्स में हमें शो हो रहा है वो एक फोर कलर बैंड रजिस्टर है। अब इन फोर कलर बैंड रजिस्टर के इनका रजिस्टेंस किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं वो इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करेंगे। जैसे इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि इस रेजिस्टेंस के अंदर यहाँ पर आपको फोर कलर, जिसमें से जो फर्स्ट कलर बैंड है वो है यहाँ पर रेड कलर, और जो सेकंड कलर बैंड है वो है ब्लू, और थर्ड कलर बैंड यहाँ पर ग्रीन है, और जो फोर्थ कलर बैंड यहाँ पर येलो आपको दिखाई देता है। तो इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए हम कौन सी विधि को काम में लेते हैं तो यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। तो इस कलर बैंड, इस रजिस्टर के कलर बैंड के आधार पर इस रजिस्टर का रजिस्टेंस हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक फोर कलर बैंड रजिस्टर है, ये हमारे पास एक फोर कलर बैंड रजिस्टर है, और इस फोर कलर बैंड रजिस्टर में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर, ये चार कलर बैंड हमें देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पर यदि फर्स्ट कलर बैंड की हम बात करें तो फर्स्ट कलर बैंड में जो फर्स्ट कलर बैंड होता है वो फर्स्ट डिजिट्स को यहाँ पर शो करता है, और जो सेकंड कलर बैंड होता है वो सेकंड डिजिट्स को शो करता है, और जो थर्ड कलर बैंड होता है वो यहाँ पर मल्टीप्लायर को शो करता है, लेकिन जो फोर्थ कलर बैंड यहाँ पर होता है वो टॉलरेंस को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है कि फोर कलर बैंड के लिए जो टॉलरेंस होगा वो कितना होगा। अब यहाँ पर जो टॉलरेंस होगा वो क्या होगा ये भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक टेबल्स होती हैं, इस टेबल्स में यहाँ पर हमें कुछ कलर कोड दिए होते हैं, कुछ कलर कोड जैसे विभिन्न प्रकार के ये कलर कोड हमें दिखाई देते हैं, और इनके डिजिट्स को हम इस प्रकार से ये इस टेबल्स में हमें देखने को मिलते हैं, और ये मल्टीप्लायर होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर एक टॉलरेंस का भी ऑप्शन यहाँ पर होता है, लेकिन इस टेबल्स में यहाँ पर हमें रिप्रेजेंट नहीं किया गया है टॉलरेंस का ऑप्शन। तो अब यदि हम इस रजिस्टर की बात करें तो इस रजिस्टर की रजिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले यदि हम देखें तो यहाँ पर जो फर्स्ट कलर बैंड है, यहाँ पर जो फर्स्ट कलर बैंड है उस फर्स्ट कलर बैंड के लिए हम यूज़ करेंगे फर्स्ट डिजिट्स, और सेकंड कलर बैंड के लिए हम यूज़ करेंगे सेकंड डिजिट्स। निश्चित बात है कि फर्स्ट कलर बैंड के लिए हम फर्स्ट डिजिट्स यूज़ करते हैं, और सेकंड कलर बैंड के लिए हम सेकंड डिजिट्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर यदि फर्स्ट कलर बैंड की हम बात करें तो फर्स्ट कलर बैंड के लिए यदि हम फर्स्ट डिजिट्स देखें तो फर्स्ट कलर बैंड में जो कलर है वो हमारे पास है रेड कलर, और रेड कलर का जो डिजिट्स होगा वो यहाँ पर है टू, रेड कलर का जो डिजिट्स यहाँ पर है वो है टू, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं टू। फिर इसी प्रकार से सेकंड कलर बैंड के लिए हम देखते हैं कि सेकंड कलर बैंड जो है वो उसका कलर है ब्लू, और ब्लू कलर के लिए जो डिजिट्स होगा, ब्लू कलर के लिए जो सेकंड डिजिट्स होता है वो होता है सिक्स, यहाँ पर सिक्स, फिर हम लिख लेते हैं सिक्स। इस प्रकार से फर्स्ट और सेकंड डिजिट्स जो हमारे होंगे टू और सिक्स, उनको हम एक जगह इस प्रकार से लिख लेते हैं। अब हम देखते हैं थर्ड कलर बैंड को, और जो थर्ड कलर बैंड हमारे पास होगा वो होगा ग्रीन कलर, और जो ग्रीन कलर के लिए यदि हम बात करें तो ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर मल्टीप्लायर को, तो ग्रीन कलर के लिए हम देखते हैं कि मल्टीप्लायर कितना है, तो ग्रीन कलर के लिए यहाँ पर जो मल्टीप्लायर होगा, ग्रीन कलर के लिए जो मल्टीप्लायर होगा वो यहाँ पर होता है 100K, अर्थात 1,00,000, तो मल्टीप्लायर हम करते हैं 100K।
तो यहाँ पर हम इस डिजिट्स को 26 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के से। अब इसको यदि हम मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारे पास आता है 2600 के। इसका मतलब जो इसका रेजिस्टेंस होगा वो होगा 2600 के ओम। ये इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है। इसी प्रकार चलो इसके लिए हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यदि हम बात करें एक और एग्जांपल की तो यहाँ इस डायग्राम में हम देखते हैं कि हमारे पास ये एक फोर कलर बैंड रजिस्टर है और इस फोर कलर बैंड रजिस्टर में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो फर्स्ट कलर बैंड है उसके लिए हम फर्स्ट डिजिट्स यहाँ पर देखेंगे और जो सेकंड कलर बैंड है उसके लिए हम सेकंड डिजिट्स देखते हैं और जो थर्ड कलर बैंड है उसके लिए हम मल्टीप्लायर देखते हैं और जो फोर्थ कलर बैंड है उसके लिए हम टॉलरेंस देखते हैं। तो यहाँ पर यदि इस रजिस्टर का रजिस्टेंस हम ज्ञात करें तो यहाँ पर जो फर्स्ट कलर बैंड है उसका जो डिजिट्स होगा, फर्स्ट कलर बैंड यहाँ पर रेड कलर है और रेड कलर के लिए जो डिजिट्स होता है वो होता है 2, इसलिए हमने यहाँ पर लिख लिया मान लो पहला डिजिट्स 2। इसी प्रकार जो सेकंड डिजिट्स रेड कलर के लिए होगा वो भी यहाँ पर 2 होता है, इसलिए हम लिख लेते हैं दोनों डिजिट्स को 2 2। फिर यहाँ पर जो थर्ड कलर बैंड वो देखें तो वो रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर मल्टीप्लायर को और ब्लैक कलर के लिए जो मल्टीप्लायर होगा वो होगा 1। ब्लैक कलर के लिए जो मल्टीप्लायर होता है 1, इसलिए 22 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर 1 से, 22 मल्टीप्लाई बाई 1। इसलिए जो इस रजिस्टर का जो टोटल रजिस्टेंस आता है वो आता है 22 ओम्स। लेकिन अब लास्ट में हमारे पास फोर्थ कलर बैंड के लिए अर्थात यहाँ पर येलो कलर के लिए हमारे पास बचता है टॉलरेंस, और येलो कलर के लिए जो टॉलरेंस होता है वो होता है 5%। अब टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि यदि इस रजिस्टर की रजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर 22 ओम्स है तो इस रजिस्टर के रजिस्टेंस में 5% या तो अधिकता हो सकती है या फिर 5% कमी हो सकती है, अर्थात इस रजिस्टर का जो रजिस्टेंस होगा वो 22 ओम से या तो 5% अधिक भी हो सकता है या 5% कम भी हो सकता है। ये होता है टॉलरेंस का मतलब। तो यहाँ पर जो हम बात करें तो यहाँ पर जो यदि टॉलरेंस की हम बात करें तो टॉलरेंस जिस रजिस्टर के लिए टॉलरेंस जितना कम होगा उस रजिस्टर का रजिस्टेंस उतना ही एक्यूरेट होता है। तो ये था इस वीडियो में कि फोर कलर बैंड के लिए हम किस प्रकार से रजिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं। इसे जो नेक्स्ट वीडियो की उस नेक्स्ट वीडियो में हम 5 कलर बैंड के लिए भी रजिस्टर के लिए रजिस्टेंस ज्ञात करेंगे।